नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हम आपको बता दें, जिस तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, वहीं अयोध्या के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में आज राम नाम की गूंज मची है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर, वहीं आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आज हजारों की संख्या में जो है राम भक्त आज निकल चुके हैं अब रोड पर। क्यों? क्योंकि कल 22 तारीख को राम आने वाले हैं। जी हाँ, हम आप बताएं, राम आने वाले हैं और फिर से उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो अयोध्या के अंदर में, वही उसी भव्य उद्घाटन के लिए आज यहाँ पर पटेल नगर के अंदर में तमाम झांकी के रूप में हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग नजर आए हैं। और आज ये लोग निकल करके पूरे पटेल नगर में अपने उस परिचय को दे रहे हैं जो राम नाम को जानते हैं, जो राम नाम को मानते हैं। आज पूरा भारतवर्ष राम नाम के मय से, राम नाम की गूंज से आज उठ चुका है। लोग समझ चुके हैं कि राम नाम के अंदर में जो ताकत है वो हमें आज देखने को मिल रही है। राम नाम की वो ताकत हजारों की तादाद में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। राम नाम की गूंज जो है वो रोड पर, गली पर, चौराहों पर, हर जगह राम नाम। आज पटेल नगर की मार्केट, मेन मार्केट में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भक्तजन पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ में बबलू जी हैं। बबलू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही खुशी की बात है, जो कि हम लोग सनातन धर्म का, जो आज 50 वर्ष के बाद हम लोग को ये खुशी मिला हुआ है, और दूसरा दिवाली मनाने का ऑफर मिला हुआ है। ये दूसरी दिवाली है 22 तारीख को। हाँ, दूसरी दिवाली है। जय श्री राम। वही बोलिए, जय श्री राम। वही हमारे साथ में कुछ ऐसे मुख्य अतिथि हैं जो इस शोभा यात्रा के अंदर में शोभा बढ़ा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? जैसे पड़ोसी ने बताया कि दिवाली दूसरी बार मन रही है, एक साल में दो दिवालियाँ। अभी बोलते हैं मोदी और योगी, ये बिना संभव नहीं था, इसलिए हम लोग सब राम जी को समर्पित है। जय श्री राम। कल प्रभु स्थापित हो जाए, हमारे भी गर्व से सर ऊंचा हो जाएगा भारत माता। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं, तमाम यहाँ से लेकर के और रोड के बिल्कुल लास्ट तक वहाँ पर लोग हजारों की संख्या में इस समय रोड पर लोग झंडा लेकर के निकल चुके हैं राम नाम की गूंज को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य में, राम मंदिर के उपलक्ष्य में, सभी को दिए मिठाई दिवाली की तरह ही बनाना चाहिए, ताकि सभी अच्छे से इस उत्सव को मना सके। जय श्री राम। ये आप देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरा मैन से कहूंगा, कैमरा ऊपर करके जरा दिखाएं, हजारों की तादाद में जो यहाँ पर झंडे आप लोगों को दिख रहे हैं, जय श्री राम के नारे आप लोगों को सुनाई दे रहे होंगे। वहीं पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, हम लोग एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम? रेनू सियाल। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। कल 22 तारीख है और राम जी अयोध्या में अब आ रहे हैं, अब अपने देश के अंदर में आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? चारों तरफ राम ही राम होंगे, सिर्फ राम ही राम, जय श्री राम। पटेल नगर, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी संजीव कुमार जी, हम जी कई सरकार है, कई नई मंदिर बनवा भाई, जो हमारे मोदी जी ने करके दिखाया वो आज तक किसी सरकार नहीं करा। बोलिए जय श्री राम। देख सकते हैं कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, किसी ने भी राम मंदिर के बारे में नहीं सोचा। वही भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने उस मंदिर को जो करके दिखाया, जो हिंदुस्तान के अंदर में आज तक अभी तक किसी ने भी नहीं किया। लेकिन वही माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो है यहाँ पर कल प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी अयोध्या के अंदर में। वही हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम लोग एक बार ही उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भारतवासी हैं, हिंदू सनातनीय हैं, हमारे दिलों में राम थे, हैं और रहेंगे, तो जय श्री राम। क्या कहना? जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हजारों की
बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं। आप पूरे पटेल नगर के अंदर में आज जो है वो राम नाम की गूंज मच चुकी है। हजारों की तादाद के अंदर में लोगों ने राम के नाम का झंडा लेकर के पटेल नगर की जनता जो है वो उतर चुकी है। कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहीं आज भव्य नज़ारा आप लोगों को इस रैली के द्वारा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि पटेल नगर के अंदर में इतनी बड़ी तादाद के अंदर में आज तक कोई रैली नहीं निकली, लेकिन आज वहीं पर रैलियां जो है और ये पद यात्रा के द्वारा पूरे पटेल नगर के अंदर में रैली निकल रही। क्या कहना चाहेंगे अंकल? सर, 500 साल बाद राम की हो रही है प्रतिष्ठा, हमें बहुत खुशी है। जय श्री राम। सबको बहुत उत्साहित था, सभी को लोग जो है वो बधाई देते हुए बधाई के पात्र है। सभी लोगों के सहयोग से जो है वो राम नाम आज जो है वो पूरे पटेल नगर में गूंज चुका है। वहीं पर हजारों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर है, क्योंकि राम नाम तो जो है वो आप देख सकते हैं, एक भव्य नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा सामने। यहाँ पर एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा, सामने दिखाएं जरा, ये आप देख सकते हैं इस समय हम लोग पटेल नगर के पटेल पार्क पे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है लोग पहुँचे हुए हैं। एक बारी हम लोग और भी जानने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री राम। ये देख सकते हैं आप, ये अजीब है, ये 500 साल के बाद हमारा ये सपना सच हुआ है। जय श्री राम। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग, हमारे कई पीढ़ियां चली गई हैं श्री राम के इंतजार में, आज हमारा सपना सच हुआ है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से लोग जो हैं वो भैरव, जो नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा पूरे पटेल नगर में, ढोल ताश बाजे के साथ में तमाम यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा आज राम नाम की जो लूट है आप देख सकते हैं। वहीं पर माननीय लोग जो है वो हमारे साथ में, ये लोग भी मौजूद हैं और फूल मालाओं के साथ में लोगों का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। और हमारे साथ में शर्मा जी हैं, हम लोग एक बार इनसे जुड़ते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप इतना अच्छे कार्यक्रम हमारे लोगों को पहुंचाते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना जोश है भगवान राम के प्रति, और आप इस शोभा यात्रा को देख के आपको लग रहा होगा कि लोगों का जोश, और पूरा का पूरा क्षेत्र जो है राम में हुआ पड़ा है जी। और हमारी यही कोशिश थी कि सब लोग हमारे साथ शोभा यात्रा में चले, और सभी लोग चल रहे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे क्षेत्र का, सभी लोगों का, सभी मंदिरों का, सभी RW का, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये आपने देखा हजारों की संख्या में जो लोग, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले कह चुका हूँ कि 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हर वर्ष हम दीपावली मनाते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी के, आज 500 वर्षों बाद वो उत्साह आया है, वो बड़ी दीपावली आई है जिसके उपलक्ष में ये शोभा यात्रा है। कल प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, ये बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है। ये आप लोगों ने देखा तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम लोग हर व्यक्ति से पूछने की कोशिश करेंगे कि राम के नाम को जिस तरीके से लेकर के चला गया और आज फिर वहीं पर राम नाम, क्या कहेंगे सर? जय श्री राम। और क्या क्या कहना चाहेंगे 22 तारीख को हमारे देशवासियों को, 22 तारीख का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या के अंदर? ये 500 सालों में पहली बार आया है जी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छी बात। ये आप देख सकते हैं लोगों के साथ में हम लोग लगातार जुड़ रहे हैं। और सर, क्या कहना चाहेंगे आज पूरे पटेल नगर के अंदर में है वो जो है वो एक ही बात है, भगवान राम स्थापित हो रहे हैं, हमारे आराध्य स्थापित हो रहे हैं, तो बहुत खुशी है अंदर से, भारत माता की जय, बहुत बड़े हो रहे हैं। ये देखा आपने, कोई हर व्यक्ति के दिल के अंदर में राम है, हर व्यक्ति जो है वो राम को लेकर के लगातार यहाँ पहुँच रहा है। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने चले, और एक बारी सामने से लेकर के आए आप, और एक बारी हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस समय इसी रैली के अंदर में पूर्व निगम पार्षद रमेश कुमार जी हमारे बीच में हैं, एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आज इस भव्य जो जिस तरीके से राम के नाम को जो है अयोध्या तक आवाज़ अपनी गूंज को पहुंचाया जा रहा है, वही हमारे साथ में रमेश कुमार जी हैं, हम लोग एक बारी इनसे जानने की कोशिश, क्या कहना चाहेंगे सर आज के भव्य
आज की ये शोभा यात्रा सनातन धर्म मंदिर बलजीत नगर के सभी मंदिरों, पटेल नगर के मंदिरों की ओर से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम अयोध्या धाम में हो रहा है उसका जो कृतार्थ है, पुण्य को कमाने के लिए सेवा में, कार्य सेवा में लगे हुए सभी लोग, सभी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं, सभी सामाजिक धार्मिक संगठन इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज पूरे क्षेत्र में रोम रोम राम का हो चुका है और राम के कण कण में जो राम का नाम है उसको लेकर आज ये यात्रा निकली है और आज सारे मंदिरों ने इसमें उत्साह के साथ, सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर इसमें योगदान किया है। हम उन सब के आभारी हैं और विशेष रूप से सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा जी और उनकी जो कार्यकारिणी की टीम है उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद, RSS, सभी सामाजिक संगठनों ने बहुत योगदान दिया है और आज हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि 500 वर्षों का जो इतिहास एक कलंक की तरह था उसको जो आज भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का जो एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम देश और विदेश में जिसकी गुंजायमान होगी उसको मनाने के लिए आज सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और हमें बहुत ही हर्ष की बात है। अभी ये गोपाल मंदिर के लोग जो हैं शोभा यात्रा का अभिनंदन कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ी खुशी की बात है कि पटेल नगर क्षेत्र का बच्चा बच्चा अपने घर से निकलकर इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? आज अनंत का दिन है, आज इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। प्रभु ने आज ये दिन दिखाया है, हम उसके साक्षी बन रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत खुशी की बात हम सबके लिए सर, और बस सब अच्छे से हो जाए। चलिए, ये आप देख सकते हैं भव्य उद्घाटन जो है यहाँ पर पूरे रैली का किया जा रहा है फूलों के साथ में, वहीं लोगों को प्रसाद जो है वो वितरण करके जो है गोपाल मंदिर पटेल नगर के अंदर में आप देख सकते हैं 2 नंबर स्कूल के बिल्कुल जस्ट सामने आप ये देख सकते हैं। और सामने जो नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा ये शायद ही अब ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिले, वही जनवरी के अंदर में 22 तारीख को यानी कल की डेट में आप लोगों को अयोध्या के अंदर में जिस तरीके से निर्माण किया गया वहीं पर आज प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 तारीख को करी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री राम। आज की शोभा यात्रा बलजीत नगर सनातन धर्म मंदिर से चलते हुए पटेल नगर का भ्रमण करते हुए अभी गोपाल मंदिर पहुंची है और विशाल शोभा यात्रा जिससे एक उत्साह, उमंग, हिंदू धर्म में जागृति पैदा करने के लिए बहुत बढ़िया काम है। भगवान राम आ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से जो हम काम कर रहे हैं ऐसे काम अपने धर्म के लिए हम लोग करने चाहिए। अभी तो सिर्फ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आगे आगे देखो कृष्ण जन्मभूमि पे भी कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। आगे मथुरा की बारी है, काशी की। बिल्कुल, मथुरा और काशी की बारी है। मगर हिंदुओं, जब हिंदू सब इकट्ठे होंगे तो तभी सब कुछ होगा, बिना एकता कुछ नहीं होगा। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, हिंदुओं को अपनी एकता दिखानी चाहिए। जय श्री राम। हमारे साथ में सर पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? ये 500 वर्षों से हमारी जो अधूरी थी मंदिर, आज भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत सा धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या जय श्री राम। जय श्री राम। ये आप लोगों ने देखा, आप लोगों को देखते देखते जो है आंखें जो है वो थक जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो भय जो है आप लोगों को राम के नाम को जो है, और यही देखिए मेरे पीछे ठीक बजरंग बली जी की झांकी जो है वो सामने आ रही है, सामने हैं आप देख सकते हैं। और ये नज़ारा शायद आप लोगों को अब दोबारा ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कल अयोध्या के अंदर में राम आने वाले हैं, वही बजरंग बली जी हमारे साथ में है। क्या कहेंगे सर? जय श्री राम। जय रामचंद्र की। जय लाल की। जय हनुमान प्यारे की। ये आप देख सकते हैं राम जी के परम मित्र कहिए, परम दास कहिए, वही हनुमान जी हमारे बीच में, पवन पुत्र हनुमान जी हमारे बीच में है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। क्या बात है। ये आप लोगों ने देखा तमाम लोग यहाँ पर है, एक बारी हम लोग महिलाओं के साथ फिर से एक बारी जुड़ेंगे और इनसे वही श्लोक सुनेंगे जो अभी आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से सुना है। जी आप लोग आ जाइए, सब जने साथ में आ जाइए, सब साथ में आ जाइए। पहले श्लोक सुनाया था उसका आगे का, इसको आप रख दीजिए, आप रख दीजिए इसको, मैं उसका आगे का सुनाऊंगी। सर पे मुकुट, गले में पुष्पमाला, हाथ में धनुष,
मुख पे उजाला, हम साथ है इनके ये सबके स्वामी, हम अंजाम ये अंतर्यामी, सीत झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की ये लीला न्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में गगन के पालनहारी, राम जी के निकली सवारी। आप लोगों ने देखा जो जय श्री राम, तो है खबर क्या हो, मेरे प्रभु राम इस धरती पर आकर सारा राजमय राममय हो गया है, बोल राम की जय श्री राम। लोगों के मुख में जय श्री राम है, राम जानकी सीता मैया सब साथ में है। मैं जो रामचंद्र जी ने जो तकलीफ उठाई, 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, जब जब ये आए तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में गगन के पालनहारी, राम जी की सी। आज ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में स्वयं राम जी भगवान पधार रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा माहौल ऐसे अयोध्या बन गए, पूरा बलचित्र का जो अयोध्या बन गए, जय श्री राम। क्या बात है, पूरा पटेल नगर बलजीत नगर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी लोग राम नाम के मय में, राम नाम का जो अमृत है वो सभी ने अपने अंदर में वास कर लिया है, राम नाम की लय में पूरा गूंज चुका है संसार, क्योंकि राम हमारे कल आने वाले हैं अयोध्या नगरी में। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का कल अयोध्या में पूजा होगी, स्थापना होगी, हम बहुत खुश हैं। और सुबह आज 7 बजे से हम लोग प्रभात फेरी में बजीत नगर पटेल नगर विधानसभा अंदर प्रभात फेरी के साथ एक झुंड के साथ नाच गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगा रहे हैं, और समस्त जनता उत्साहित है, और दीपावली जैसा माहौल है, हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छी बात। हाँ। और वही हमारे साथ में एक और सर जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग इनसे भी जानेंगे, काफी देर से बच रहे थे हमारे से। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, क्या कहना चाहेंगे सर? सारे देखो राम में हो गया पूरा, राम ही राम, राम ही राम, क्या बात है, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। पहली बार देखा हमने हिंदुओं में इतनी एकता, कोई इसमें कोई बीजेपी का कोई आरएसएस का किसी का इवेंट नहीं है, हमने समाज में जाके देखा, घर घर में जाके अक्षत दिए, निमंत्रण दिया, वो तो बड़े आदर सत्कार के साथ हमारे को ऐसे पूजा गया, मजा आनंद आ गया। देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कल 22 तारीख है और कल जो है, देशवासियों को मेरा यही संदेश है, हमेशा हिंदू प्रवाह जो विघटित रहा है वो हमेशा एकजुट रहे, ये मेरी कामना है, यही मेरे आगे से अपेक्षा उनसे भी, हम एकजुट रहे, हमारे जो हमने कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रतिकार ना हो, कोई जुल्म ना हो, कोई अत्याचार ना हो, पर ये हमें कुछ नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक जीते रहे हैं, शांतिपूर्वक जिएंगे। यही होती है हिंदू की पहचान, सनातनियों की पहचान, कि एकता में ही बल है, और एकता में ही एकता बनाए रखने के लिए इस बल को दिखाना भी जरूरी है। आज पता लग रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर में कि राम नाम का जो अमृत है वो किस तरीके से सनातनियों में आज आ गया है, और ये हजारों की तादाद में लोग आप देख सकते हैं पीछे, महिलाएं पुरुष बच्चे सब में एक उत्सुकता जो है वो जाग चुकी है कि राम हमारे आ गए हैं, और अब 22 तारीख यानी कि कल के डेट में राम जी जो हैं वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और यहीं पर आप देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिज्ञा, और ये आप देख सकते हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, और यहीं पर 22 जनवरी 2024 को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाबा श्री रामदेव जी मेगाबाल समाज समिति के द्वारा जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं हजारों की तादाद में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम देख के, बहुत खुशी का माहौल, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो है 22 दिसंबर को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, उसके उससे पहले एक दिन पहले तैयारी चल रही हमारी, उत्साह के साथ हमारे प्रभु श्री राम 500 सालों के बाद पुनः पधार रहे हैं अयोध्या में, बड़ी खुशी मनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि हमारे
आराध्य देव को फिर से वापस लाए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं और पूरा हिंदू समाज उनका शुक्रगुजार है कि वह ऐसे में हमारे उत्साह वर्धक रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। ये चालू करो भाई साहब, वो अपने उधर है, मैं ले लेता हूँ, आप ले लो। बोलो 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 जी। रामायण के मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, रामायण के के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे ओ मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बागार खुले खुले जाएंगे, राम आएंगे।